ज्ञानी जेल सिंह भारत के सातवें राष्ट्रपति के तौर पर काम करने वाले पहले सिख थे। इनका कार्यकाल 1982 से लेकर 1987 के बीच था। राष्ट्रपति बनने से पहले वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक राजनेता थे और यूनियन कैबिनेट में वो बहुत से पदों पर विराजमान भी थे। इनमें गृह मंत्री का पद भी शामिल है। वो पंजाब के मुख्यमंत्री पद पर भी रह चुके हैं। ज्ञानी जेल सिंह नेहरू और गांधी परिवार के सबसे बड़े समर्थक थे, जिस वजह से कई बार उनकी आलोचना भी होती थी। देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से अच्छे संबंध के कारण ज्ञानी जेल सिंह कम समय बहुत ऊपर ऊंचाई तक पहुंच गए थे। ज्ञानी जेल सिंह का राष्ट्रपति काल काफी चुनौतियों से भरा रहा था। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में बहुत सी घटनाएं घटी, जिनमें मुख्य रूप से ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 में सिख विरोधी दंगा भी शामिल है। 5 मई 1916 को फरीदकोट जिले में उनका जन्म किशन सिंह के यहाँ हुआ था, जो एक किसान थे। बचपन में ही उनकी माता चल बसी थी, जिस वजह से इनका पोषण पालन इनकी मौसी ने किया था। ज्ञानी जेल सिंह शुरू से ही पढ़ाई में ज्यादा लगाव नहीं था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं किए। ज्ञानी जेल सिंह को जनरल सिंह भी कहते थे। पिता की राय मिलने पर वो गुरुद्वारे में भजन कीर्तन करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने अमृतसर के शहीद सिख मिशनरी कॉलेज से गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ सीखा और उन्होंने ज्ञानी की उपाधि से सम्मानित किया गया। देश की आज़ादी के लिए, अपने देश के प्रति प्रेम के लिए ज्ञानी जेल सिंह ने मात्र 15 वर्ष की आयु में ही ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध काम करने लगे। एक अकाली दल के सदस्य बन गए। 1938 में उन्होंने प्रजा मंडल नामक एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया, जो भारतीय कांग्रेस के साथ मिलकर ब्रिटिश विरोध आंदोलन किया, जिस वजह से उन्हें जेल भेज दिया गया और उन्हें 5 वर्ष की सजा सुनाई गई। इस दौरान उन्होंने अपना नाम बदलकर जेल सिंह रख लिया। वर्ष 1946 में फरीदकोट जिले में किसी कार्यक्रम में के दौरान ज्ञानी जेल सिंह को अंग्रेजों द्वारा झंडा फहराने से रोका गया। इस बात से परेशान ज्ञानी जेल सिंह ने जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखकर फरीदकोट आने का निमंत्रण दिया। फरीदकोट आने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने देखा कैसा पूरा फरीदकोट ज्ञानी जेल सिंह के बातों का अनुसरण करता है। ये देखकर जवाहरलाल नेहरू ने ज्ञानी जेल सिंह की योग्यता पहचान ली और अपनी पार्टी से जोड़ लिया। वर्ष 1951 में ज्ञानी जेल सिंह कृषि मंत्री बन गए। इसके अलावा 1956 से लेकर 1962 तक राज्यसभा के भी सदस्य रहे। 1969 में ज्ञानी जेल सिंह राजनीतिक संबंध इंदिरा गांधी से काफी अच्छे हो गए थे। वर्ष 1982 में नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद बिना किसी विरोध के उनका नाम निर्देशन भारत के राष्ट्रपति के रूप में किया गया। फिर भी मीडिया ने ऐसा अफवाह फैला रहा था कि उनका नाम निर्देशन इसलिए किया गया था कि क्योंकि इंदिरा गांधी अपने वफादार इंसान को राष्ट्रपति बनाना चाहती थी। चुनाव के बाद ज्ञानी जेल सिंह ने कहा था कि यदि मेरे लीडर कहेंगे कि मैंने झाड़ू उठाना चाहिए और झाड़ू लगाना वाला बन जाना चाहिए, तो मुझे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही मुझे राष्ट्रपति बनने के लिए चुना है। 25 जुलाई 1982 को उन्होंने राष्ट्रपति के लिए शपथ लिया। इसके बाद 31 अक्टूबर को उसी साल इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और उन्होंने इंदिरा गांधी के अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। ज्ञानी जेल सिंह का निधन 25 दिसंबर 1994 को एक सड़क दुर्घटना में घायल होने के कारण हो गया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।